राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय अक्षरभ्रम योग के माध्यम का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का माध्यम सुनो, जिसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, प्राय स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा था, उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी खूब गले तक उसे चढ़ाया, अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पुनर्जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीवल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमती था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यासे पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद् ब्रह्म, किम ध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई है उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आदेश लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आदेश लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरम्भ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रक्षे पूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपने इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आदेश श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था, फिर इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विश्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख को प्राप्त हुआ, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए, तथा उसके अनन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के सुतक्रम से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती,
यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।